हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी एक्सरसाइज है 4.1। ये चैप्टर हमारा वैदिक मैथ से रिलेटेड, वैदिक मैथ जो इंडिया में पहले मैथ्स को कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ किया जाता था मेथड, उस मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इकन्यूनेन पूर्वेन एंड परम मित्र सूत्र। परम मित्र यानी फ्रेंडली नंबर। तो सबसे पहले हमको समझना है कि परम मित्र नंबर क्या होता है। तो जैसे अगर 4 का अगर मैं पूछ लूँ कि परम मित्र अंक क्या है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि 4 में क्या प्लस करे, 4 में क्या प्लस करे कि वो 10 हो जाए। तो हमें ध्यान है कि 4 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका 10 बन जाएगा। इसका मतलब कि 4 का जो परम मित्र अंक है, फ्रेंडली डिजिट है, वो क्या है, 6 है। इसी टाइप से अगर 2 की बात करें, 2 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, तो 2 के अंदर क्या प्लस करेंगे कि वो 10 बन जाएगा। तो 2 के अंदर अगर हम 8 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 10 बन जाएगा। तो ये क्या है, इसका फ्रेंडली नंबर है। 7 का फ्रेंडली नंबर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 3। इसमें अगर 3 प्लस करें तो ये क्या हो जाए, 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा परम मित्र अंक। अब देखते हैं एक न्यूनेन पूर्वेन क्या होता है। जैसे 2, 3 लिखा है, अगर मैं बोलूँ कि 2, 3 का एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी 3 से एक पहले वाले से हमको क्या करना, एक न्यून करना। न्यून का मतलब होता है कम। इस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एक डॉट लगा देते हैं। इस डॉट का मतलब ये होता है कि इस 2 में क्या है, एक कम है, यानी 2 में से आपको 1 माइनस करते हुए चलना है। तो ये डिजिट अपनी क्या रह जाएगी, 13 रह जाएगी। ओके, एक न्यूनेन पूर्वेन मतलब पहले वाले में एक कम। अगर मैं 3 का एक न्यूनेन पूर्वेन पूछ रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, 3 से एक पहले वाले में एक कम। तो 3 से पहले क्या है, 2 है, 2 में एक कम, यानी 1 को आप लेस कर दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 13। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इसी के बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसको कैसे करना है देखते हैं। पहले डिजिट हमारी लिखी है 6 माइनस 8। तो इसको 6 माइनस 8 कैसे करेंगे, हमें पता है कि 6 में से 8 लेस नहीं होता है। तो हम वैसे जनरली बोरो लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको बोरो नहीं लेना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 8 का जो परम मित्र अंक है, तो 8 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 8 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 8 का जो परम मित्र अंक होता है, उसको हम क्या करते हैं, इस 6 के अंदर प्लस कर देते हैं। कितना होता है, ये होता है हमारा 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। हमने क्या किया, 8 का जो परम मित्र अंक है, सॉरी 8 का जो परम मित्र अंक है, उस परम मित्र अंक को हम क्या करेंगे, 6 के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ आंसर 8। क्या किया हमने, 8 का क्या परम मित्र अंक आया 2। इस 2 को हमने क्या किया, 6 के अंदर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 8। अब क्योंकि हमने क्या किया, इसके अंदर परम मित्र अंक ऐड किया है 8, यहाँ पे 2, इसलिए क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन मतलब पहले वाले में एक कम, यानी 6 के नीचे एक पॉइंट लगाना है। 6 के नीचे एक पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या है, 6 में एक माइनस कर दो, कितना रह गया आपके पास, अब 5 रह गया है। अब 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। उसके बाद इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 5th लिया है। 5th में देखेंगे हम सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 4 में से अगर हमको 7 माइनस करना है तो क्या होगा, 4 में से 7 माइनस नहीं होता, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का जो परम मित्र अंक है, कितना है परम मित्र डिजिट या फ्रेंडली नंबर, इसका जो फ्रेंडली नंबर है वो है हमारे पास 3। इस 3 को क्या करेंगे, हम 4 के अंदर प्लस कर देंगे। 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 ही होता है, क्योंकि इसमें हमने अब क्या किया है, परम मित्र अंक ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, किसके नीचे, 2 के नीचे। ये एक न्यूनेन पूर्वेन का पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, 2 में 1 लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितना रहा, 2 नहीं रह के यहाँ पे सिर्फ 1 रहता है, और हम जानते हैं कि 1 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, अब माइनस नहीं किया जाता है, तो हमको 6 का परम मित्र अंक निकालना है, यानी फ्रेंडली डिजिट। तो फ्रेंडली नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 6 के अंदर 4 प्लस करेंगे तभी 10 बनेगा। तो 4 क्या है, 6 का परम मित्र अंक है। तो इस 4 को क्या करना है, इस 1 के अंदर प्लस करना है। मैंने बताया था क्योंकि 2 के नीचे पॉइंट है, इसलिए 1 ही रहेगा ये। अब इस 4 को क्या करेंगे, हम इस 1 के अंदर ऐड कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 5। अब क्योंकि
हमने यहाँ पे परम मित्र अंक ऐड किया, तो इसमें भी एक यूनियन पूर्वियन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम, 5 के नीचे अगर पॉइंट आया है तो इसका मतलब क्या है, ये 5 नहीं, अब ये सिर्फ 4 रह गया है। तो 4 में से अगर हमको 2 माइनस करना है तो कितना आएगा, अब इसमें हमको परम मित्र अंक लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 माइनस हो सकता है 4 में से, कितना रहता है हमारे पास, 2 ही रहता है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिया है, इसके अंदर भी हम देखेंगे, इसमें भी यहाँ लास्ट में लिखा है 4 माइनस 7 करना है यहाँ पे, तो 4 में से 7 लेस नहीं होता, तो क्या करेंगे, 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3। इस 3 को क्या करेंगे, 4 में ऐड कर दो, 7 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे परम मित्र अंक लिया तो हमें यहाँ क्या करना है, एक न्यूनयन पूर्वेन, पहले वाले में एक कम, तो 6 के नीचे एक पॉइंट लगा दिया, अब ये कितना रह गया, 5। अब 5 रह गया तो क्या होगा, 5 माइनस 9 नहीं होता ये, तो क्या करेंगे हम, इसका परम मित्र अंक लेंगे, कितना होता है इसका परम मित्र अंक, इसका परम मित्र अंक होता है 1। इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 5 के अंदर ऐड करेंगे, 5 के अंदर क्यों, क्योंकि इसके नीचे पॉइंट आया हुआ है, इसका जो 1 है परम मित्र अंक इसको 5 में ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, आएगा 6। उसके बाद क्या है, क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र अंक लिया तो यहाँ पर भी पॉइंट बना लिखना होगा हमको, तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 में क्या करेंगे, 8 नहीं लेस होता, तो 8 का परम मित्र अंक कितना है, 2। 2 को 1 में प्लस कर दो कितना आएगा, 3। अब क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र अंक लिया तो हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट लेना है, तो अब ये कितना हो गया हमारे पास, 7 माइनस 1 रहेगा तो 6 हो जाएगा, यानी ये डिजिट हमारी अब कितनी है, 6 ही है, इसको क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। इस तरह से आपको करना है। तो पीछे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, नाइन, ये आपको आज होमवर्क के अंदर करना है।